हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसका प्राइस केवल 9 रुपये है। 9 रुपये का शेयर है, 6 महीने में 350% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए। एक मॉरिशस की कंपनी है जिसने लगभग 28 लाख शेयर के आसपास खरीदे, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हम। ओके, कंपनी के फंडामेंटल्स जानने वाले, बैलेंस शीट चेक करने वाले, तो इस कंपनी का एक बार पूरे गणित देखेंगे एक बार। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके पास डेली बेसिस पे लाते रहे। सो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में पहले आपको दिखाना चाहूँगा रिटर्न्स। रिटर्न्स देखिए, 1 डे 5%, 1 वीक 16.81%, 1 मंथ 32, 3 मंथ्स में 32.99% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ में देखिए 352.94% के रिटर्न, और 1 मंथ की बात की जाए तो लगभग, 1 ईयर की बात की जाए तो 131% के रिटर्न यहाँ दिख रहे हैं। कंपनी को लिस्ट हुए 2 साल भी नहीं हुए, इसलिए हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, बट कंपनी ने देखिए रिटर्न्स देखे पता बता दिया है कि अच्छी कंपनी है। कंपनी आगे चल के FMCG सेक्टर में भी उतरने की बात कर रही है, 2 साल में 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, तो इससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स की देखिए होल्डिंग लगभग 53.5% की हिस्सेदारी है, जो कि लास्ट क्वार्टर 55.27 थी मार्च में, और जून लास्ट में हम बात कर रहे तो 59 थी, जो कि हमें घटती हुई नज़र आ रही है, जो अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है, जो कि ठीक ठाक है। प्लेजिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स ने कोई भी अपना शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर देखिए कंटिन्यूअसली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं, और लगभग 7% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर इसमें रखते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम कर ली है, तो लगभग 12.74% की डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास हिस्सेदारी इसमें है, और अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो 26.77% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट हमें यहाँ पर देखेंगे, इस साल तो इस साल लगभग रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, रिजर्व्स लग कंपनी के पास नेगेटिव में चल रहा है, 12.83 का यहाँ पर रिजर्व्स है, और अगर हम ईयर 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 ऑन ईयर बेसिस बात की जाए तो जो कि हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि सही बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट लॉन्ग बोरिंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए लास्ट ईयर कितनी थी, 8.36, तो अभी उन्होंने घटा के कितना कर दिया, 5.50। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म बोरिंग हमें कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस बार कितना है, 35.05। और अगर हम बात करें कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो कैश कितना जो कि हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है, लास्ट ईयर कितना था, 6.10, और अभी कितना है, 0.22 केवल। तो यहाँ पर हमें जो ये एक गणित है, जो बैलेंस शीट है इसकी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में होता क्या है, स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है तो गिरती भी तेज है, और ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल नहीं है, तो ज़्यादा हम इससे बैलेंस शीट से भी ज़्यादा इच्छा नहीं रख सकते कि हाँ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगी। तो ठीक ठाक है, बैलेंस शीट इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। तो लगभग 500+ करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इन ये कंपनी का मार्केट कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर की तरफ आ जाते हैं, तो शेयर का नाम मैं दिखा देता हूँ, बट इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 1 डे 1, 5 डे 1 मंथ, 6 मंथ, और मैक्सिमम की बात की जाए तो कंपनी 2019 में आई थी 4 रुपये पे, और अभी देखिए ये 20 रुपये तक गई थी, हाई इसका 20.54 है, और देखिए फिर जैसे कि बताया था कि कंपनी को पहली बात तो 2 साल भी नहीं हुए, 1 साल ही हुआ है, और इसमें ऑपरेटर ज़्यादा हावी रहते हैं, तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में का ये यहाँ पर गेम चल रहा है। तो इस वजह से ये कंपनी कभी अपर सर्किट तो कभी लोअर सर्किट में खेली जाती है। कंपनी का नाम जान लेते हैं, तो कंपनी का नाम है विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड। तो कंपनी करती क्या है, इससे रिलेटेड भी हम बातें करने वाले हैं। तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लगभग 61.94% की डिलीवरीज, मतलब कितना बात की जाए तो 5 करोड़ 80 लाख, सॉरी 58 लाख, 3,822 लाख रुपीज़ ये शेयर्स है जो इनके यहाँ पर डिलीवरीज में उठाए गए हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में बात की जाए तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और हम बात करें डिविडेंड की, तो कोई भी कंपनी ने अभी तक डिविडेंड दिया नहीं है। अब कंपनी करती क्या है उसका गन देख लेते हैं। तो कंपनी देखिए
पॉलीमर्स एंड पॉलीमर एडिटिव रिलेटेड केमिकल्स में काम करती है। विकास मल्टीकॉप लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जो कि दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है। एज वेल एज अगर हम बात करें कि हाँ कंपनी, देखिए मैंने आपको बताया था कंपनी FMCG सेक्टर में उतरने वाली है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात हो रही है। देखिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, स्पेशलिटी केमिकल्स फर्म विकास मल्टीकॉप ऑन ट्यूजडे सेड इट विल एंटर द फूड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन सेगमेंट ऑफ द FMCG इंडस्ट्री। तो मतलब फूड प्रोटेक्शन एज वेल एज हाइजीन सेगमेंट्स है। तो फूड प्रोटेक्शन मतलब क्या? तो फूड प्रोटेक्शन मतलब ये हो गया, जो आपकी चपाती अपनी रोटीज़ को जो रैप करते हैं ना, तो जो फॉइल पेपर आता है, जो होम फॉइल पेपर होता है, उसमें ये कंपनी आने वाली है, क्लीन रैप में आने वाली है। मिस्टेक ये सारा का सारा ब्रांड, ये सारी की सारी चीज़ें बनाने वाली है ये कंपनी, तो इसमें आने वाली है। और कितना रुपये लगभग 2 साल में 1,000 करोड़, मतलब सॉरी 100 करोड़ रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है, और छोटी ही कंपनी है और 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ये शेयर हमें जंप करता हुआ नज़र आए। ओके, और 15-20 साल में ये अलग ही कहानी हो, 200, 300, 500 रुपए तक ये शेयर पहुँच जाए तो क्या होता है वो तो हम कह नहीं सकते, बट अभी तक कंपनी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव नज़र हमें आती हुई नज़र आ रही है। एज वेल एज एक जो इन्फॉर्मेशन थी, ओके मैंने आपको बताया था कि शेयर एक डील हुई है इसमें, देखिए विकास मल्टी कॉप शेयर गेन आफ्टर डील अनाउंसमेंट। तो डील क्या हुई है तो हम उसे देख लेते हैं। देखिए मॉरिशस वेस ओके एलबुला इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड हैज़ बॉट 35 लाख, मैंने आपको 28 लाख बोला था स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं था बट न्यूज़ था। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है 35 लाख शेयर्स, ओके एट द प्राइस ऑफ वॉट 8.30, ओके BSE लिस्टेड स्पेशलिटी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो मतलब 8.5 रुपये के भाव से, 8.30 रुपये के हिसाब से 35 लाख शेयर इस कंपनी ने, मॉरिशस बेस्ड कंपनी है ये, इन्वेस्टमेंट फंड है ओके, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 35 लाख शेयर यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए आज की डेट में भी यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। 1 डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, एंड 5 डेज का यहाँ पर देख लीजिए, 5 डेज में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी दिया है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जैसे कि दिखा चुका हूँ कि बीच में कितने रुपये पे शेयर रहता है, तो 90 पैसे पे, 95 पैसे पे शेयर चल रहा था ओके, और इसके बाद ये 20 रुपये तक गया था। तो मल्टी बैगर रिटर्न तो इसने अभी तक कंपनी ने दिए हैं, और फ्यूचर में ये कंपनी FMCG सेक्टर में उतरने वाली है ओके, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर लगभग 35 लाख शेयर खरीद रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंपनी आगे चल के फ्यूचर में 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद इसका जो रिटर्न का प्रोफाइल होगा ओके, काफ़ी अच्छा हमें एट्रैक्टिव नजर आएगा। बट आपको डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहता हूँ, स्मॉल कैप कंपनी है, भागेगी भी तेज, गिरेगी भी तेज, तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचना ओके, तो इतना ही करना जितना आप लॉस भी बियर कर सके, क्योंकि ऑपरेटर इसमें हावी है। ये सर्किट में चलने वाली कंपनी है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चल रहा है आजकल शेयर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ही इस शेयर में इन्वेस्ट करना। और एज वेल एज ये भी बताना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करना, केवल 500-1,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना, ताकि अगर वो कल को डूब भी गए तो आपको कोई इफेक्ट ना पड़े। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपने पूछ लीजिएगा अगर इस शेयर को आप खरीदना चाहते हैं। और ये नॉलेज के बेस पे पर्पज़ से वीडियो थी, 9 रुपये का शेयर है। तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।